अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज हम सीखेंगे कि कैसे डीएमए को हम माइक्रो वीएमवेयर के अंदर या मशीन के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें ये मेरे पास है वीएमवेयर, मेरे पास है, इसके अंदर मैं इंस्टॉलेशन करूंगा। तो मेरे पास ओवा अवेलेबल है, अगर किसी भाई को चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ये डोंट सेव, डोंट सेव। इसके अंदर मैं आऊंगा, अपने पास ये ओवा है मेरे पास, इसको मैं करूंगा ओपन विद वीएमवेयर डीएमए रेडियस सर्वर। ये हमारे पास है एक ओवा अवेलेबल है जो सेंटोस बेस्ड है, और ये माइक्रोटिक वीएमवेयर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। ये डिफरेंट मशीन्स हैं हमारी, ये डीएम में विद लॉग सर्वर है। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना वो क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे। ये हमारा बिलिंग सर्वर है, वाइप के लिए है। ये हमारा माइक्रोटिक है, ये हमारा सी पैनल है, ए पैनल है। तो मैं रिमूव कर देते हैं। तो ये है बेसिकली जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं डीएमए। तो डीएमए बेसिकली आया क्या चीज, गूगल ओपन करते हैं, हम लिखते हैं डीएमए रेडियस डीएमए रेडियस डीएमए सॉफ्ट लैब डॉट कॉम है इसकी वेबसाइट है। बेसिकली डीएमए जो है एक रेडियस बिलिंग सॉल्यूशन है। ये फ्री रेडियस के ऊपर बना हुआ है, माइक्रोटिक सिस्को स्टार ओएस क्लिक पीएफ सेंस और डिफरेंट जो है ना नए किस्म के नेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर यूजर ऑथेंटिकेट होते हैं और यूजर पैनल बनता है, एपीआई होती है इसके अंदर, और उसके थ्रू यूजर ऑथेंटिकेट होके चलते हैं। तो बेसिकली ये है रेडियस AAA सॉल्यूशन। हम आज इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे कि ये कैसे इंस्टॉल होता है, ये कैसे काम करता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस भाई ने भी ज्वाइन कोई चीज़ चाहिए तो वो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अंदर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं डीएमए रेडियस सर्वर। वीडियो स्किप इस वजह से नहीं कर रहा कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज होती है। ये डीएमए है 5000 यूजर के लिए और 100 नैस इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसके अंदर रेडियस में यूजर मैनेजर भी है, हॉटस्पॉट भी, PPI यूजर भी इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, वाउचर सिस्टम भी हो जाता है, हॉटस्पॉट भी इसके अंदर सारा सिस्टम जो है अटैच हो जाता है। तो जब तक ये होता है हम माइक्रोटिक को पावर ऑन करते हैं। इसके लिए माइक्रोटिक भी हमें चाहिए होगा कि हम इसको इसके साथ ऑथेंटिकेट कर सकें। तो माइक्रोटिक हमारे पास है 6.49 वर्जन, स्टेबल वर्जन, और ये बहुत अच्छा चल रहा है। 10G सपोर्टेड है, 64 बिट है।
ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो वर्जन वो शक्ल्स में मौजूद है, यानी कि इस पे आप 128 सॉकेट्स तक जो है ना यूज कर सकते हैं, यानी कि 64 कोर तक जो है वो सपोर्टेड है। इसके अलावा माइक्रोटिक हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल है, यानी कि 5.20, 6.10, 6.10, 6.43, 6.49, 7.9, 7.11, यानी कि डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भी भाई को चाहिए हो तो वो ले सकता है। ये माइक्रोटिक हमारा हो गया पावर ऑन। हम आते हैं बिन बॉक्स में। ये देखें, ये हमारे पास दो डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि दो लैन कार्ड के मैक आ रहे हैं। ये अटैच हो गया। मैं आ जाता हूँ आईपी एड्रेसेस में। एक एड्रेस इसमें हमने क्रिएट किया हुआ है, ये डायनेमिक है, इसको भी आईपी डीएचसीपी क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं माइनस कर देता हूँ। अभी इसके अंदर आईपी पूल में आता हूँ, ये एक पूल क्रिएटेड है, इसको रिमूव कर देता हूँ। आईपी हॉटस्पॉट में आता हूँ, यानी कि सिंपल ये सेटिंग हुई हुई थी। आईपी फायरवॉल में मैं आता हूँ, कोई भी सेटिंग नहीं हुई। तो मैं आता हूँ आईपी फायरवॉल, आईपी एड्रेसेस प्लस करता हूँ, या स्टैटिक दे दूं या डायनेमिक दे दूं। मैं आईपी एड्रेस करता हूँ, आईपी डीएचसीपी क्लाइंट प्लस करता हूँ, ईथर वन इसको करूंगा अप्लाई, ओके करूंगा। देखें 192.168.98.198.43 वाली आईपी मुझे मिल गई। ये देखें डीएमए भी जो है वो ओवा इंपोर्ट हो गया है, और इसको हम कर देंगे पावर ऑन। पावर ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो है डीएमए ऑलरेडी इंस्टॉल है। पावर ऑन करते हैं इसको, जब तक ये पावर ऑन होता है हम इसकी सेटिंग देख देते हैं। ये देखें आईपी सर्विसेज में इसको भी ऑन कर देते हैं, वैसे जो जरूरत नहीं होती वो उनको हम बंद करते हैं, लेकिन हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इस वजह से सारी ऑन की हुई है। मैं आता हूँ आईपी रेडियस में, यह देखें कोई भी रेडियस मैनेजर अटैच नहीं है। तो हमारा डीएम में होगा तो हम इसको अटैच करेंगे। इनकमिंग पे हम कर देंगे एक्सेप्ट, ओके प्लस कर देंगे। इसको हम देखते हैं कि इसमें टाइम आउट सेशन आपने 3000 कर देना है। सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस बाई लाजमी डाला करें। सोर्स एड्रेस बाज़ औक़ात ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा होता तो बहुत इशू आता है, जो कॉमन इशू है। तो आपने सिंपल ये करना है, इधर से अपनी आईपी एड्रेस कॉपी करना है और इसके सोर्स एड्रेस में वो एड्रेस ऐड कर देना है। उसके बाद ये हमारा ओपन हो गया, ऑन हो गया। इंटर प्रेस करेंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होगा, हम इसकी आईपी देखेंगे और अपने पास जो है वो एक्सेस करेंगे।
इसके ऊपर आप क्या क्या सर्विसेज हॉटस्पॉट से लेना चाहते हैं वो आप उसकी डिटेल जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल करेंगे, आप इधर से भी चेक कर सकते हैं लेकिन इजी वे CLI है, IPA करेंगे ये आ जाएगा 192.168.198.155। क्रोम ओपन करूंगा, प्लस कर लूंगा और कंट्रोल वी। ये देखें अपाची आ गया, स्लैश RADIUSMANAGER स्लैश एडमिन .php, एंटर करूंगा। ये देखें ये हमारे पास एक्सेस होके आ गया। इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड होता है 1 2 3 11 11। ये देखें ये हमारा रेडियस मैनेजर है और ये डेट है आज की। ये वर्जन है 4.1.6 रेडियस ओके या DHCP NA है। इसमें मैं आऊंगा सिस्टम इंफॉर्मेशन में, ये देखें 5000 यूजर के लिए 100 NAS है और ये अपग्रेड टिल डेट इस डेट तक है, इस मैक एड्रेस के अगेंस्ट है। तो ये चीज है। इसमें मैं आऊंगा नेस में, न्यू नेस करूंगा, प्लस करूंगा नेस नेम माइग्रोटिक, आईपी थी हमारी 1 4 3। इधर से टाइप माइग्रोटिक, सीक्रेट जो है वो मैं 1 2 3 4 5 कर दूंगा और API कर दूंगा, एड नेस कर दूंगा। ठीक है, ये है 1 5 5। मैं इधर आऊंगा, ये है 1 5 5 और 1 2 3 4 5 अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। लॉग्स में आऊंगा, रेडियस जो है वो हमारे इसके साथ जो है वो अटैच हो गया है। ये हमारा बेसिक रेडियस है। इसके अंदर होम पेज है, इसमें ये नेस है, डिफरेंट चीजें जो है ना, बिलिंग है, डिटेल्स है, सारी चीजें। यूजर में लिस्ट यूजर, यूजर बना जो है लिस्ट आ जाएगी, फाइंड यूजर, न्यू यूजर ग्रुप, सर्विसेज में आ जाएंगे, लिस्ट सर्विसेज आ जाएगी आपकी, शेड्यूल चार्जेस आ जाएंगे, मैनेजर में लिस्ट मैनेजर आ जाएगा आपका, नेस में लिस्ट नेस आ जाएगा, एपी में जो है वो हमारी आ जाएगी, एक्सेस पॉइंट आ जाएंगे, CMT जो है हमारे मॉड्यूल है लॉग का वो आ जाएगा, आईपी पूल में लिस्ट आईपी पूल जो आईपी पूल क्रिएट करेंगे वो आ जाएंगे, इसमें इनवाइसेस आ जाएंगी हमारी, कार्ड सिस्टम में कार्ड जनरेट हो जाएंगे कि कार्ड कैसे जनरेट करेंगे, लिस्ट IAS आ जाएगा इसके अंदर जो है, यानी कि डिफरेंट चीजें जो है ना, सिस्टम इन्फो आ जाएगी, ब्राउज सिस लॉग आ जाएगा उसके अंदर, बल्क ईमेल, बल्क SMS, स्टार्ट रेडियस, यानी कि ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। तो ये भी आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और आपको उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जो चीज़ आपको रिक्वायर है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफ।